तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टॉक्सिक राइडर। तो गाइस, आप देख सकते हो कि मैंने अपनी बाइक को खोल रखा है पूरा यहाँ से। तो गाइस, आपको पता है कि जब मैंने पिछली बार जो है वो इसका साइलेंसर जब खोला था, तो इसमें से जो है कूलेंट लीक हो गया था। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि इसका कूलेंट में, मतलब इसमें वहाँ क्या प्रॉब्लम है बाइक में कि इसका कूलेंट बाहर निकल रहा है। तो चलिए गाइस, वहाँ देखते हैं इसको खोल के। तो गाइज़, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस अभी भी थोड़ा सा कूलेंट नीचे गिर चुका है। तो गाइज़, मैं बता दूँ किस वजह से यहाँ पे कूलेंट गिरा है। तो गाइज़, मैंने जब एजेंसी में काम करवाया था तो उन लोगों ने सही से काम नहीं किया। ऊना में जो मैंने काम करवाया था, हिमाचल में ऊना की एजेंसी जो है गाइज़, सबसे बेकार एजेंसी है, गजब बेइज्जती है। मैं आपको बता दूँ, उन्होंने जो काम किया बिल्कुल भी सही नहीं किया है गाइज़। देखो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे लिख जो रखा है नेवर ओपन हॉट लिख रखा है। यहाँ जो पाइप लगी होती है वो पाइप जो है उन्होंने फाड़ दी है। तो हम उस पाइप को ठीक करेंगे गाइस, ठीक कर लेते हैं उसको। तो गाइस, जहाँ से पाइप फटी हुई थी तो हमने जो है पूरा कूलेंट वहाँ से इसमें ग्लास में निकाल लिया है। अब ये कूलेंट जो है खाली हो चुका है गाइस। मेरे को लगता है इसमें कूलेंट जो है कम है, क्योंकि इसमें कूलेंट ज़्यादा था। इसमें काफ़ी हद तक तो इससे कूलेंट गिर चुका है। तो गाइस, हम इस वायर को जोड़ लेते हैं, इस पाइप को जोड़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको कूलेंट को डालेंगे। तो गाइस, जितना भी वो कूलेंट था वो हमने यहाँ पे इसको खोल के अंदर रेडिएटर में डाल दिया, क्योंकि रेडिएटर जो है वो पूरा खाली हो चुका था। क्योंकि हमारा कूलेंट जो है वो इस पाइप से डायरेक्ट बाहर चला जाता था। रेडिएटर हमारी बाइक भी इसीलिए गर्म होती थी। तो हमने इसमें जो है गाइस, हमने इसमें जो है पूरा कूलेंट जो है वो डाल दिया है। अब हम इसको बंद कर देते हैं, हमारा ऊपर का ये रहा, अब हम इसको ठीक कर लेते हैं, फिर बताते हैं आपको। तो गाइस, इन्होंने एजेंसी वालों ने यहाँ पे नट भी नहीं लगाया हुआ था सही से, तो हम इसका नट भी अभी टाइट कर रहे हैं गाइस। एजेंसी वालों ने इन्होंने कुछ भी काम सही से नहीं किया था। जो अब हमने खोल लिए तो हमें तभी पता लगा कि कूलेंट का क्या सीन है। पूरा का पूरा कूलेंट जो है गाइस, बाइक से कुछ 4-5 बार कूलेंट गिरा होगा, पूरा रेडिएटर खाली पड़ा था गाइस। ये अब हमारा ये बॉटल तो अब ऊपर से खाली रहेगी, इसको तो हम बाद में कूलेंट डालेंगे। तो गाइस, हमने इसकी बॉटल को जो है वो पूरा टाइट कर दिया है। उन्होंने इसके लॉक वगैरह कुछ भी नहीं सही से बंद किए थे। और जो पाइप यहाँ से फटी हुई थी, अब हम उस पाइप को अंदर लगा लेते हैं गाइस, यहाँ पे टाइट कर लेते हैं गाइस। पाइप तो छोटी पड़ चुकी है, तो कोई नहीं, इसको तो लगाना तो पड़ेगा, पाइप निकलेगी अंदर से। गाइस, ये तो हमने पहले इसको टाइट कर दिया, अब हमें पहले इसको निकालना पड़ेगा। पहले पाइप लगेगी, उसके बाद ये लगेगा। मेरे को लगता है एजेंसी वालों ने भी ऐसे किया था, ज़बरदस्ती की थी तभी ये पाइप फट गई थी। तो हमें पहले इसको निकालना पड़ेगा, पहले हम पाइप जोड़ लेते हैं, इसके बाद ये लगेगा। लेकिन इसको हमें दोबारा खोलना पड़ेगा, इसको खोल लेते हैं। तो गाइस, हमने ये पाइप जो है वो ब्लेड से कट करके ठीक कर दिया है। अब हम इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं जहाँ पे लगी हुई थी। यहीं से ही जो है वो कूलेंट की सप्लाई रेडिएटर को जाती है। तो इस पाइप को हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो गाइस, मैंने इसकी पाइप को जो है वो सेट कर दिया है और इसकी क्लिप को भी लगा दिया है। तो ये सब काम हमारा हो चुका है। अब हम जो है वो कूलेंट का जो ये बॉटल है इसको सेट कर देते हैं फिर से वहीं पर जहाँ पर ये थी। इसके नट को हम लगा देते हैं यहीं पे। और मेरे आईडी से तो हमने काम ठीक कर दिया है, देखते हैं सेट आएगा नहीं आएगा। जी, सेट आ गया। इसको सेट करने में हमें प्रॉब्लम तो आ रही है, तो क्या करें। अगर एजेंसी में इसको दोबारा चेक करवाते हैं तो वो फिर से वो पता नहीं कितनी इसकी चार्जेस मांगते, लेबर चार्जेस। तो ये काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि कूलेंट जो गिर रहा है इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। तो आज मैंने ये ठीक कर ही दिया, अब हमारी बाइक ना ही हीट होगी ना इंजन में कोई प्रॉब्लम आएगी गाइस। ये टाइट हो गया है गाइस, इसकी कैप को लगा देते हैं। इस टाइम इसकी पूरी बॉटल जो है वो पूरी की पूरी खाली पड़ी है, इसमें कुछ भी कूलेंट नहीं है, क्योंकि जो भी कूलेंट था वो हमने रेडिएटर में डाल दिया है। अब हम जो है वो बाइक को बंद करेंगे।
तो गाइज आज का जो भी हमारा इशू था वो हमने ठीक कर दिया है। अब गाइज हम बाइक को बंद कर देते हैं। अब हम बाइक मतलब वीडियो जो भी है वो आपको दिखा दी है। अब गाइज हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं। चलिए गाइज बाय। ओके गाइज बाय। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।